डालने से पहले मेरे पास आते हैं कई सारे प्रूफ्स, उसके बाद में वो वीडियो लेकर आता हूँ। कहीं ना कहीं वो सारे के सारे प्रूफ्स जो थे वो पास किए थे, जिसकी वजह से वो वीडियो में कहीं पर भी कुछ लगा नहीं हुआ कि कोई भी प्लेयर अनफेयर है फिर नहीं। लेकिन उसके बाद क्या सीन होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उस वीडियो के बाद आता है मेरे पास एक बंदा प्रूफ्स लेकर, और वो सारे प्रूफ्स होते हैं पीएन जेम्स के अगेंस्ट में, जो आज के टाइम में तुम्हें पीएन मर्सी के नाम से देखने को मिलेगा। उन सारे प्रूफ्स को देखने के बाद मैंने पीएन यानी प्रो नेशन के ग्लैडिएटर को, पीएन हर्ट्स को, और पीएन जेम्स यानी पीएन मर्सी को, और जो बंदा प्रूफ लेकर आया था वो, और हम सब लोग डिस्कॉर्ड में बैठ गए वहां पर जाके कि क्या सीन है, चेक करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, पूछताछ करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में सीन क्या है और ये प्रूफ रियल है फिर फेक। तो सारी पूछताछ करने में लगभग लगभग हमारे 2-2.5 घंटे गए, लेकिन वहां से ऐसी बहुत सी चीजें पता चली जो तुम्हें बताने लायक है। पहली चीज, पीएन जेम्स को जब वापस से गिल्ड में लिया गया था तो उसके बाद की बात है, उसके पीसी में लाइव स्ट्रीम पर कुछ सस्पिशियस फाइल देखने को मिली जिसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए। तो उन फाइल्स को देखने के बाद मेरा क्वेश्चन जेम्स से एकदम सीधा सा था कि भाई जब तुम्हें गिल्ड में वापस लिया गया है, सब कुछ एकदम जो ओल्ड चीजें सब कुछ मिटाने के लिए बोला गया, तो तुमने ये सारी चीजें क्यों रखी है अभी भी अपने पीसी में? तो इस चीज पर उसका ये कहना था कि उसने ये सारी की सारी जो फाइल्स होती है, सारे प्रूफ्स जो होते हैं, वो पहले भी दिया करते थे स्काईलॉर्ड को, और अभी के टाइम पे भी उसने स्काईलॉर्ड को देने के लिए ही रखा हुआ था। देखो ये सारी लॉजिकल बातें होती है कि मैंने ये स्काईलॉर्ड को देने रखा हुआ था फिर ये वो, क्योंकि जब उसे गिल्ड में वापस से लिया गया था उसे सब कुछ हिस्ट्री मिटाने के लिए और सब कुछ जो ये इसका पुराना जो कांड है इन सबसे दूर रहने के लिए बोला गया था उसे गिल्ड लीडर यानी पीएन हर्ट्स के थ्रू। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि उस टाइम पर ये लाइव स्ट्रीम में पकड़ा गया, यहाँ तक कि आखिरी बार जब हम डिस्कॉर्ड मिले यानी कल या परसों की बात है, उस टाइम पर भी उस बंदे के पीसी में जो एक्सटर्नल स्टोरेज होती है वहां पर बहुत सारी सस्पिशियस फाइल मतलब भर भर के उसमें रखी हुई थी। ये चीज उसने खुद एक्सेप्ट किया डिस्कॉर्ड पे। देखो आज के टाइम में किसी भी बंदे के पीसी में सस्पिशियस फाइल का मिलना फेयर नहीं माना जाता। देखो अगर तुम्हारे पीसी में करंट टाइम में कुछ भी सस्पिशियस पाया जाता है तो तुम्हें सिंपल सा अनफेयर का करार दे दिया जाएगा। इन चीजों में कोई ये नहीं देखेगा कि वो बंदा पीसी में खाली पड़ा हुआ है या फिर उस चीज को यूज कर, सिंपल सी बात है अगर तुम्हारे पीसी में कुछ भी सस्पिशियस मटेरियल मिला तो तुम्हें अनफेयर प्लेयर का करार देके गिल्ड से किक कर दिया जाएगा। क्योंकि वो चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, अगर उसके गिल्ड में कोई भी अनफेयर प्लेयर दिख जाता है और उसके प्रूफ मिल जाते हैं तो उसको किक करना पड़ता है। तो उस बंदे को यानी पीएन जेम्स को एट दी एंड जो डिसीजन लिया जाता है वो होता है कि उस बंदे को अपनी गिल्ड में नहीं रखना, उस बंदे को गिल्ड से निकाल दिया जाए। और उस बंदे को गिल्ड से निकालने का सिर्फ एक रीजन नहीं है, एक और चीज दिखाता हूं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। चलो भाई तुम इतना बोल ही रहे हो तो सुनाई देता हूं। अरे तुम देखो ना, तुम आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। लगता है जेम्स किसी तैयारी में है, मेरे को लग रहा है। मतलब तुम बहुत रावेश भाई कुमार हो गए। आप कितने दिन में हो जाएगा भाई ये बता। अरे वाली क्लिप में भाई की स्ट्राइक देने की बात चल रही है, चैनल उड़ाने की बात चल रही है, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी चीज आती है, चाहे कोई सामने वाला बंदा रियलिटी बता रहा है या फिर कहीं पर गलत भी है ना, तो भी उस बंदे को क्रिटिसाइज किया जाता है, उस बंदे को वीडियो टू वीडियो रिप्लाई दिया जाता है। मैंने भी आज तक अभी किसी बंदे को स्ट्राइक नहीं दी है और ना ही मैं आगे इन फ्यूचर देना चाहूंगा। बहुत बंदे हैं भाई डेली डेली डालते हैं, चाहे वो मेरा होल कॉन्टेंट कॉपी कर ले कुछ भी कर ले, मैं कभी स्ट्राइक नहीं देता। ठीक है, कर रहे हैं करने तो चलना चलना, तो सिंपल बात है। और रही बात इनका, तो भाई स्ट्राइक का सीन कभी भी नहीं आना चाहिए इस चीज में। और इस समझ रहे हो, स्ट्राइक तक बात पहुंच गई तो बंदे का माइंडसेट किस लेवल का होगा? तो कहीं ना कहीं ये गिल्ड की रेपुटेशन पे थप्पा लग जाता है एक तरह से। तो गिल्ड से निकलना बंदे का था ही, मतलब कंफर्म ही था, वो प्रूफ तो थे ही, और ये जो है स्ट्राइक वाला ये और निकल के आ गया। एक तरह बंदे मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो, उसी पीएन प्रो नेशन गिल्ड के बंदे, एक तरफ क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं अच्छी खासी रेटिंग के साथ, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं क्वालिटी, लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं जो है ना इज्जत डुबाने लगा। तो एट द एंड जो सॉल्यूशन निकला वो उस बंदे को लीव करना ही पड़ेगा गिल्ड। तो फिलहाल ये बंदा गिल्ड में नहीं है, बाकी